उसका आउटर पार्ट पॉलिश होएगा और उसकी मैं क्या कहते हैं वो होएगी, क्या कहते हैं उसको, मैं बाय पोटी होएगी मैच। बाय टचिंग हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, अभी तो ये बताया मैंने आपको। हाँ वो बाहर को होगा शायद, हाँ हाँ वो तो है। यस अमृतपाल, मैं ऐसे याद नहीं, शायद इनवर्ट होता है शायद आउट होता है, मुझे याद मैंने नहीं आ रहा। आपको बताया था कि इफ यू लुक योर फेस इन कंकेव मिरर इट विल अपीयर टू बी मैग्नीफाइड और स्मॉल, स्मॉल कंकेव में स्पून के अंदर वाली साइड में अगर आप अपनी इमेज देखोगे मैग्नीफाइड दिखेगी कि स्मॉल दिखती है, मैग्नीफाइड। तो कंकेव मिरर बिना टच मतलब कि टच करके कैसे पता लगेगा आपको, वो इनवर्ड है, और कन्वेक्स मिरर आउटवर्ड है, और देखने में भी पता लग जाएगा आपको इफ यू अपियर मैग्नीफाइड दैट मीन्स इट इज कंकेव मिरर, अदरवाइज इट इज अ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन है मिरर की। राइट डाउन अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। यस ऋषित, ऋषित मैम आंसर ही देना है। ओके ओके ओके, राइट डाउन अ क्वेश्चन। अ चाइल्ड इज लुकिंग एट, अ चाइल्ड इज लुकिंग एट अ मैजिक मिरर, अ चाइल्ड इज लुकिंग एट अ मैजिक मिरर इन विच हिज हेड अपीयर्स मैग्नीफाइड, हिज हेड अपियर मैग्नीफाइड, हिज स्टमक अपियर नॉर्मल, हिज स्टमक अपियर नॉर्मल एंड लेग्स अपियर टू बी शॉर्ट, लेग्स अपियर टू बी शॉर्ट, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड द मैजिक मिरर। आप ये लिख सकते हो, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस मैजिक मिरर। यस कैन यू इमेजिन क्या होगा इसमें, क्या हो रहा है। यस एक्चुअली दिस मैजिक मिरर इज कंसिस्टिंग ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर, द टॉप पोर्शन मस्ट बी कंकेव मिरर एंड मिडल पोर्शन मस्ट बी प्लेन मिरर बिकॉज इट्स स्टमक इज ऑफ द सेम साइज, एंड द लोअर पोर्शन ऑफ द मैजिक मिरर मस्ट बी कॉन्वेक्स मिरर इन विच द लेग्स आर अपियरिंग टू बी शॉर्ट। सो दिस मैजिक मिरर इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर। ओके, सो दिस विल जस्ट डिफेक्ट योर नॉलेज अबाउट द मिरर, वेदर यू नो अबाउट देम नॉट। ना ओके क्लियर स्टूडेंट, फाइन। Now we are going to do terminology related to the mirror. Terminology. Definition की थी मिरर की हमने अभी नहीं की थी, है ना? Definition से start करते हैं। Terminology related to the mirror. So first of all, let us define concave mirror itself. What's a concave mirror? तो अगर हम ये मिरर का एक स्फीयर कंप्लीट कर दें जिसमें से हमने इसका पोर्शन कट किया है, तो यू कैन सी इट दिस मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर व्हिच इज पॉलिश्ड सिल्वर फ्रॉम इनसाइड एंड पेंटेड ओपेक फ्रॉम आउटसाइड। मतलब ये जो मिरर है कंकेव मिरर, इट इज अ पार्ट ऑफ सच अ स्फीयर व्हिच इज पॉलिश्ड सिल्वर फ्रॉम इनसाइड, जो अंदर से पॉलिश्ड होता है बाहर की साइड उसकी ओपेक होती है, means it is reflecting from inside. ऐसे स्फीयर के पार्ट को आप बोलोगे कंकेव मिरर। तो राइट द डेफिनेशन, कंकेव मिरर इज द पार्ट ऑफ अ स्फीयर, कंकेव मिरर इज द पार्ट ऑफ अ स्फीयर विच इज पॉलिश सिल्वर और विच इज मेड रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम इनसाइड, which is made reflecting from inside, which is made reflecting from
inside. So it's the part of a sphere which is made reflecting from inside or which is polished silver from inside. You can write like this. And now let us define convex mirror. तो इसको हम बल्जिंग ऐसे शो करते हैं ना, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर. सो इफ वी कंप्लीट इट स्फीयर, इट विल बी द पार्ट ऑफ अ स्फीयर विच इज मेड रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड विच इज पॉलिश सिल्वर फ्रॉम आउटसाइड. तो लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन कॉन्वेक्स मिरर की. कॉन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर. कॉन्वेक्स मिरर is the part of a sphere which is made reflecting from outside, which is made reflecting from outside or which is polished silver from outside, which is made reflecting from outside or which is polished silver from outside. Okay, fine. Right. Next term is what is aperture of a mirror. So side by side I'll be marking on both the mirror. First term is aperture. So आप ये देखो, ये aperture है a a dash, ये वाला जो portion है, this is called aperture of the mirror a a dash. Same way यहाँ पे जितना portion हमने show किया हुआ है A A dash, that is aperture of the mirror. So how do we define it? It is the portion of mirror from which reflection can take place. ये वो portion है जो light को reflect कर रहा है. तो right now ये जो सारा portion हमने mirror का रखा हुआ है, सारा ही light को reflect कर सकता है. तो ये aperture है. So write down, aperture is portion of the mirror. It is portion of the mirror from which reflection can take place. Aperture is portion of the mirror from which reflection can take place. Portion of the mirror from which reflection can take place. Portion of the mirror from which reflection can take place. So ye humne indicate kar diya. Second term is pole. Pole of the mirror is the center of the mirror. This is pole. Center of the mirror is called pole. Center of the mirror is called pole. We denote it by P. We denote it by symbol P. Pole. Third definition is principal axis. Principal axis. It's a line passing through pole. A line passing through pole is called principal axis. This line is called principal axis. A line passing through pole of the mirror is called principal axis. Okay? A line passing through pole of the mirror is called principal axis. Principal axis. Fourth, center of curvature. Center of curvature. We denote it by C, capital C, center of curvature. ये जिस sphere का ये mirror part है ना, उस sphere के center को कहते हैं center of curvature. इस mirror का ये sphere का part है ना mirror, उसके center को बोलते हैं center of curvature. So how we will define this? It is the center of the sphere. It is center of the sphere of which the mirror is a part. It is center of the sphere of which the mirror is a part. Center of the sphere of which the mirror is a part.
P-A-R-T, part. Center of the sphere of which the mirror is a part. Clear? Fine? Fourth term, fifth term is radius of curvature, capital R. Radius of curvature denoted by capital R. Same way, it is radius of the sphere of which the mirror is a part. ये उस sphere के radius को बोलते हैं. Radius of the sphere of which the mirror is a part. That is called radius of curvature. Go on marking on the diagram as well. दोनों mirrors का ये जो diagram है, तो mark करते जाइए side by side. So I repeat, radius of curvature. It is the radius of the sphere of which the mirror is a part. Radius of the sphere of which the mirror is a part. P-A-R-T, part. Okay. Next term is focus, denoted by capital F. ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इनके बिल्कुल सेंटर में आता है फोकस. इनका मिड पॉइंट है ये फोकस. सो व्हेनेवर यू विल मार्क, यू विल मेजर द स्केल. ये दोनों पार्ट सेम आने चाहिए आपको, तभी आपके आगे केसेस ठीक बनेंगे. सो फोकस इज सेंटर ऑफ दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर. चलो पहले इसको डिफाइन करते हैं. सो फॉर डिफाइनिंग इट, दिस इज नॉट सफिशियंट दैट दिस इज अ मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. नो, देयर इज अ डेफिनेशन, देन वी विल ड्रॉ द रे डायग्राम. तो मैं रे डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पे, ऊपर बना देती हूँ. सो दिस इज अ कंकेव मिरर. बनाइए, मार्क द पॉइंट पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर. बस अभी यही मार्क करिए. Take a ray which is parallel to principal axis. Take a ray which is parallel to the principal axis. According to the rule, it should pass through focus. मतलब it should pass through certain point. मतलब mirror से reflect होके suppose इस तरह से ये जा रही. Take one more ray parallel to principal axis. एक और ray लीजिए. Arrow जरूर mark करते जाइए. Because I told you. अगर एरो नहीं मार्क करोगे तो ये लाइन है, रेज नहीं होगी. ये भी उसी पॉइंट में से जाएगी. बेंड इट अकॉर्डिंगली. सो टेक, आई हैव टेकन टू रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. दे मस्ट पास थ्रू वन पॉइंट. लेट मी टेक टू मोर रेज ऑन द लोअर साइड ऑल्सो. एक और रे ले लो पैरेलल, जितनी मर्जी ले लो, सभी उसी पॉइंट में से पास करेंगे. All those rays will pass through single point. That point where all the rays meet is called focus. This point where all the rays they are meeting is called focus F. So now on this basis we can define the focus of a mirror. Okay. तो फोकस क्या होता है? फोकस ऑफ अ मिरर, इट्स अ पॉइंट. सुन लो पहले, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द रेज इनिशियली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. वो रेज जो पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी विल मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन. जहां पे सारी रेज मिरर के रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस. दिस इज द फोकस ऑफ कनकेव मिरर. कॉन्वेक्स का अलग तरीके से करेंगे हम. तो राइट द क्वेश्चन, डिफाइन फोकस ऑफ कनकेव मिरर. डिफाइन फोकस ऑफ कनकेव मिरर. सो यू राइट द डेफिनेशन नाउ. इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. इट्स अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच at which all the rays
initially parallel to the principal axis at which all the rays initially parallel to the principal axis meet after reflection at which all the rays initially parallel to the principal axis comma meet after reflection मीट की जगह आप कन्वर्ज वर्ड भी लिख सकते हो. कन्वर्ज मीन्स टू मीट. सो फॉर दिस रीजन कनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि इसका नेचर ऐसा है, आपने देखा है कि ये रेज को मीट करवा देते. ठीक है, सो दैट्स व्हाई कनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर. इट्स आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर. इज द डेफिनेशन क्लियर नाउ? Now let us draw it for convex mirror. Now on the other hand, let us take a convex mirror. This is the pole, this is center of curvature. Let us take one ray parallel to principal axis. अब इसका नेचर ऐसा है कि ये रे को इस तरह से भेज देगा, ये डाइवर्ज करता है, उसको बाहर को भेज देगा. I told you not to come out of a point is diverge. To meet at a point is converge. So इसका नेचर ही ऐसा है कि ये जब रे आती है तो इसको इस तरह से भेजता है. On producing backward, हमें वो रे एक पॉइंट में से बाहर आती हुई लगती है. Draw one more ray. ये भी ऐसे लगेगा कि इस पॉइंट में से बाहर आ रही है. और दो रेज बना ली थी, सभी इस तरह से लगेंगी कि उस पॉइंट में से बाहर आ रही है. Like this. Now look at this point. ये सारी reflected rays इसमें से आती लग रही है. तो ये point कौन सा है जहां से rays diverge हो रही है, जहां से बाहर आ रही है, that point is called focus. तो convex mirror में converge नहीं, diverge हो रही है, और actually नहीं हो रही, वहां पर तो actually meet कर रही थी, यहाँ तो appear to है, हमने इमेजिन किया है. डॉटेड का मतलब है हम इमेजिन कर रहे हैं, एक्चुअली रेज नहीं जा रही है, हमें लग रहा है कि वो एक पॉइंट से आ रही है बाहर. सो दिस इज हाउ वी विल डिफाइन द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर. नाउ सो राइट द डेफिनेशन ऑफ फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर. इट्स अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन लिखिए, it's a point on the principal axis from which all the rays initially parallel to the principal axis appear to diverge. देखिए, एक तो कन्वर्ज के प्लेस में डाइवर्ज, और वो भी अपीयर टू वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं आपको मैंने बता दी. अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन. ठीक है, अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन. सो दिस इज नॉट मियरली द मिड पॉइंट. वहां पे रेस कन्वर्ज होती है और डाइवर्ज भी होती है. सो इफ वी हैव वन कंबाइंड डेफिनेशन ऑफ फोकस ऑफ अ मिरर, वी कैन कंबाइन बोथ द केसेस. तो कैसे लिखेंगे, डिफाइन फोकस ऑफ एनी मिरर. तो आप दोनों को कंबाइन कर दोगे, आप लिखोगे इट्स अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द रेज इनिशियली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन. कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज दोनों एक में आप ऐड कर दोगे तो आपकी ये जनरल डेफिनेशन है. ठीक है, अदरवाइज हमने पहले कनकेव मिरर का फोकस किया, फिर कॉन्वेक्स का किया. आप कंबाइंड डेफिनेशन अगर कोई भी मिरर मेंशन नहीं करते हैं तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो, लिखो डेफिनेशन. सो डिफाइन फोकस ऑफ अ मिरर. इट्स अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस
it is a point on the principal axis at which all the rays initially parallel to the principal axis, comma, at which all the rays initially parallel to the principal axis converge or appear to diverge, after reflection. At which all the rays initially parallel to the principal axis converge or appear to diverge after reflection. Fine, clear है focal? तो next term है focal length. Seventh term is focal length denoted by small f. We denote focus by capital F, but focal length by small f. तो ये क्या है? देखो सारे डिस्टेंस मिरर में पोल से मेजर होते हैं. वन पॉइंट इज पोल ऑलवेज. लाइक वी से व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो व्हाट इज फोकल लेंथ, इट इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस. सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ मिरर. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन pole and focus of a mirror. Distance between pole and focus of a mirror. ठीक है? तो कैसे मार्क करेंगे? This distance, CF, that is equal to focal length. मार्क कर लीजिए. ये इसकी focal length है, ये इसकी है. ठीक है, दिस इज द फोकल लेंथ. सो आई होप ऑल दीज टर्म्स आर क्लियर टू यू. नाउ व्हाट आर द साइन कन्वेंशन, डिस्टेंसेस टू द लेफ्ट ऑफ पोल आर टेकन टू बी नेगेटिव, डिस्टेंसेस टू द राइट ऑफ पोल आर टेकन टू बी पॉजिटिव. सो व्हाट विल बी द साइन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, बताइए. फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? नेगेटिव होगी. ये लेफ्ट साइड पे है ना इसका फोकस, तो लिख लीजिए फॉर कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव. इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल आल्सो बी नेगेटिव, वो भी राइट साइड पे है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर. बट फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ विल आल्सो बी पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर विल आल्सो बी पॉजिटिव. Radius of curvature will be positive as well. Okay, याद रहेगा. What is the other name of convex mirror? Concave mirror का I told you, converging mirror भी कहते हैं. And because of diverging nature, convex mirror is also called diverging mirror. So you can add on these questions also. Why convex mirror is called diverging mirror? You need to know these names because sometimes in numericals they use this language. वो ये नहीं लिखेंगे concave mirror, वो लिखेंगे converging mirror. So if you know कि किसको कहते हैं converging mirror, तभी आपको वो आगे आप solve कर पाओगे, right? So diverging mirror is convex mirror. Why? Because of its diverging nature. Further, you can explain that any ray parallel to principal axis appears to come out of focus. So that's why, because of its diverging nature, it is called diverging mirror. And on the other hand, concave mirror is also called converging mirror. Fine? Is that clear? All right. Then, what is the relation between focal length and radius of curvature? ये देखिए, ये focal length और ये radius of curvature, उसका midpoint है, तो क्या relation हुआ इनमें? Half हो गया ना? So write the relation between focal length and radius of curvature. Focal length is half of radius of curvature. Focal length is
हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्लियर? So have a look at all these terms and if you have any doubts you can ask me. So nature से आपको sine से focal length के nature of image पता, nature of mirror पता चल जाए, ठीक है? So write down a small numerical on this basis. Write down. First of all, any doubts? Have a look at all the terms and ask if any doubt is there. Yes? Ask if any doubt is there. And from next week up to here, this will be the syllabus of your test. Every week there is going to be test, no need to ask, and no need to ask the syllabus also because whatever will be covered in a week will be tested the next week. Right? Google form, yes, MCQ. Yes, no doubt? Okay, write down a question. The radius of curvature, the radius of curvature of a concave mirror is 40 centimeters. Radius of curvature of a concave mirror is 40 centimeters. Find its focal length. Find its focal length. Yes, what is the answer? 20 centimeters? Minus 20 centimeters. Minus lagana padega. Because radius of curvature is minus 40. So that is why focal length is also minus 20. So you will use this formula and write the value. Radius of curvature is given minus 40 because the mirror is concave mirror. Then you will put the value here, writing after writing the formula. Formula is a must. Bina formula ke half mark kat jayega. Pata hai aapko, isliye aapne solve kiya. So always write the formula. So negative sign agar nahi dala to bhi aapke marks deduct ho jayenge. You have to take care of sign also. Formula also you have to write all. So nature of the mirror will be clear if we take care of sign. Agar aapko sign diya ho, identify the mirror, tab bhi aap kar sakte ho. If they say that focal length of a mirror is minus 10 centimeter, identify the mirror. So that mirror is of course concave mirror. Because its focal length is negative, we know that. All right, let us sit. Yes, beta, any doubt? Koi doubt hai aapka? Haan ji, Amritpal, yes? Yes? Convex mirror ka focus fir se bata do ek baar. Haan ji, kaun sa? Convex mirror ka focus ek baar fir se bata do, ma'am, samajh nahi aaya. Ma'am, meri meet hi nahi kar rahi, ma'am, raise. Kya nahi kar rahi? Achha, diagram bana do dobara se. I'll draw a big diagram now. So this is a convex mirror. Ek ray lijiye parallel, aise leke jaiye. Ye x point mein se aa rahi hai, ye aapka focus. Ab dusri ray banao. Aap aise karo, usko pehle dotted le aaiye yahan se aur seedha aise le lo. Ab banegi aap. Ek aur ray le lo, usko bhi yahan se join kariye, yahan chaliye. एक और रे लीजिए, यहां से शुरू कर दीजिए, बेंड नहीं ना होनी चाहिए, रे सीधी जानी चाहिए, ये नहीं कि ऐसे से ऐसे कर दू, उसको वहां से शुरू कर दीजिए, आपका आपका डायग्राम बन गया. सो दिस इज फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? सो दोज आर नॉट ड्रॉन इट करेक्टली, दे कैन करेक्ट इट नाउ. यस ऋषि, मैम पोल की डेफिनेशन बता दो.
होल इज सेंटर ऑफ द मिरर। मैम एक जो आपने भी क्वेश्चन बताया था वाई फोकल लेंथ इज नेगेटिव इन कॉनकेव मिरर एंड पॉजिटिव इन कन्वेक्स, ये वाला भी दोबारा बता दो आंसर। साइन कन्वेंशन इज दैट डिस्टेंसेस टू द लेफ्ट ऑफ पोल विल बी नेगेटिव, डिस्टेंसेस टू द राइट ऑफ पोल विल बी पॉजिटिव। तो क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकस आप देख रहे हो लेफ्ट पे है इसलिए उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस राइट पे है इसलिए उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव। गॉट इट नाउ? यस मैम। हाँ ये बना लो आप डायग्राम। अमृतपाल यस यस मैं कर लेता हूँ लोअर में पिछला ही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। And send your homework copy students.